अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स ऑफ क्लास सिक्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द सेवी स्कूल सिटी कैंपस लाला मूसा। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी रीड द पोएम, वी रीड द स्टोरी द रैंसम ऑफ रेड चीफ, एंड टुडे वी विल सॉल्व इट्स एक्सरसाइज एंड डिस्कस देयर मीनिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रेडी द नोटबुक फॉर द वर्ड्स सिनोनिम्स एंड देयर मीनिंग्स लाइक दिस। यू विल राइट द वर्ड्स इन फर्स्ट कॉलम, there are synonyms in the second column and meanings in third column. The first word is ransom, money demanded for a captive. एक कैदी के लिए रकम का मुतालबा करना means कि आप किसी इंसान को कैद कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट उसके जो फैमिली है उससे आप मनी जो है वो डिमांड करते हैं, तो ये क्या चीज है आपकी? तावान। एक्सीड सबमिट means के कबूल करना या तस्लीम करना। बगी रोडस्टर, बगी या घोड़ा गाड़ी means के एक आप लोगों ने देखी होंगी अक्सर शादियों पे यूज की जाती हैं, आगे घोड़े होते हैं और उनके पीछे एक बड़ा अच्छा सा डेकोर किया हुआ कार्ट लगा होता है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? बगी या फिर घोड़ा गाड़ी। नेक्स्ट वर्ड इज मॉर्टेज, अ लोन, कर्जा या गिरवी की रकम। गिरवी की रकम क्या होती है कि आप लोग अगर बैंक से लोन लेते हैं तो क्या बैंक वाले आपको लोन जो वैसे ही दे देते हैं? नहीं, बल्कि उसके अगेंस्ट होती है वो कुछ आपकी प्रॉपर्टी जो वो अपने पास रखते हैं कि अगर आप बैंक को वो लोन रिटर्न नहीं कर सकते तो वो प्रॉपर्टी जो वो जब्त कर देते हैं, तो ऐसी जो अमाउंट होती है उसको हम लोग कहते हैं मॉर्टेज या ग्रू की रकम। प्रोमिनेंट, वेल नाउन, मुमताज यानी अलग थलग। प्रोविजन फूड ड्रिंक एंड इक्विपमेंट, सामान्य रसद मीन्स के खाने पीने का और बाकी जरूरी सामान जो है। अकाउंट, अ पर्सन सेंट आउट टू इन्वेस्टिगेट, किसी एक ऐसा शख्स जिसको आप लोग तफ्तीश के लिए भेजते हैं मींस के जासूस। नेक्स्ट इज सब्जुगेशन, कंकुअर्ड मगलूब करना या गालिब रहना। सरप्टिशियसली सीक्रेटली चुपके से। ट्रेचरी बिट्रेल ऑफ ट्रस्ट, चलाकी या गद्दारी। कैप्टिव अ प्रिजनर मींस के एक कैदी। वॉर हूप अ क्राई मेड ड्यूरिंग कॉम्बैट, जंग के दौरान आप जो चीख के कोई बात कहते हैं तो वो क्या होती है? वॉर वूप मीन्स के जंगी नारा। इम्प अ नॉटी स्पिरिट, भूतना छोटा सा भूत। पायरेट अ रॉबर एट सी, समुद्री डाकू, इसको कजाक भी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज फ्रॉम पेज नंबर 20 एंड द टॉपिक इज कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मींस के आपने एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चंस लिखने देखने हैं और इनको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है एंड देन इसको लर्न भी करना है। नोटबुक पे लिखते हुए आपने प्रेजेंटेशन का पूरा ख्याल रखना है, जैसे मैंने यूनिट नंबर, लेसन नंबर, फिर उसके बाद लेसन का नेम है, पेज नंबर मैंने मेंशन किया, क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेम इसी तरह से आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। नाउ स्टार्ट द रीडिंग। Which part of the United States of America is the story set in? America, United States of America जो उसके किस हिस्से में ये स्टोरी जो है वो वाकई हुई थी या किस इलाके की ये कहानी है? The story is set in Summit, the state of Alabama in the south of United States of America. ये कहानी United States of America के जनूब में अलाबामा की एक छोटी सी रियासत या एक छोटे से टाउन Summit में हुआ था। Why did the two men decide to kidnap someone? इन दो आदमियों ने किसी को अगवा करने का मंसूबा क्यों बनाया, क्यों अगवा करने का फैसला किया? The two men decided to kidnap someone because they wanted $2,000 to buy some land. इन दो आदमियों ने किसी को अगवा करने का मंसूबा इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें जमीन खरीदने के लिए $2,000 की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट साइन वी हैव इन द स्टोरी दैट द किडनैपर्स हैव पिक्ड अ डिफिकल्ट विक्टिम। स्टोरी में ऐसा कौन सा पहला साइन है या कौन सी ऐसी पहली अलामत है जिससे हमें पता चलता है कि किडनैपर्स का जो विक्टिम था यानी कि जो उनका शिकार था, जिस बच्चे को उन्होंने किडनैप किया था, वो उनके लिए एक मुश्किल शिकार बन चुका था। द फर्स्ट साइन दैट द किडनैपर्स हैव पिक्ड अ डिफिकल्ट विक्टिम इज, पहली अलामत जिसे हमें पता चलता है कि किडनैपर्स ने एक मुश्किल शिकार जो है वो उठा लिया था, वो क्या था? दैट ही थ्रोज अ रॉक एट बिल्स हेड, कि उसने आते ही बिल के सर पर एक पत्थर दे मारा। मींस के जब वो बच्चे को किडनैप करने आए थे
तो उन्होंने स्ट्रीट में ही बच्चे ने जो है पत्थर उठा के बिल के सर पे दे मारा था। तो इसी साइन से पता चलता है कि उन्होंने जो अपना विक्टिम था वो एक डिफिकल्ट वन जो है वो सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी लर्न अबाउट एबनीजर डॉर्सेट। हमें इस कहानी में क्या जानने को मिलता है कि एबनीजर डॉर्सेट जो है वो कैसा था, हमने एबनीजर डॉर्सेट के बारे में क्या सीखा या क्या जाना। वी लर्न दैट एबनीजर डॉर्सेट इज अ प्रोमिनेंट सिटीजन। हमने जाना कि एबनीजर डॉर्सेट जो है वो शहर की एक मुमताज शख्सियत था या वो एक मुमताज शहरी था, नोन फॉर हिज वेल्थ, जो कि अपनी दौलत की वजह से जाना जाता था। व्हेन ही मेड फ्रॉम विच ही मेड फ्रॉम लेंडिंग मॉर्टेजेस एंड मेकिंग फोरक्लोजर्स, जो कि उसने गिरवी की रकम और लोगों की जायदादें जब्त करके बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अदर क्राइम्स हैव सैम एंड बिल कमिटेड। सैम और बिल ने इनके अलावा और कौन कौन से जुर्म जो है वो किए हैं। आपको स्टोरी से क्या पता चलता है कि सैम और बिल ने और कौन कौन से क्राइम्स जो है वो किए हैं। नो अदर क्राइम्स कमिटेड बाय सैम एंड बिल हैव बीन मेंशन्ड इन द स्टोरी। स्टोरी में ऐसा कोई क्राइम या ऐसा कोई जुर्म नहीं मेंशन किया गया जो कि सैम और बिल ने किया हो। What do we learn about Johnny Dorset? हमने जॉनी डॉर्सेट के बारे में क्या जाना। जॉनी डॉर्सेट मिस्टर एबनीजर डॉर्सेट का बेटा था जिसको कि बिल और सैम ने किडनैप किया था। तो आप उस बच्चे के बारे में आपने स्टोरी में क्या जाना। We learn that हमने जाना कि जॉनी डॉर्सेट इज 9 years old। जॉनी डॉर्सेट 9 साल का लड़का है। हैज रेड हेयर, जिसके बाल सुर्ख रंग के हैं। टॉक्स अलॉट, बहुत ज्यादा बोलता है। इज वॉयलेंट, वो तशद्दुद पसंद है, मींस के वो हर चीज को सख्ती से करना चाहता है। हैज अ ग्रेट इमेजिनेशन, उसका वो तहयलाती दिमाग का मालिक है, मींस के हर चीज को इमेजिन करता है। इज नॉट पॉपुलर विद हिज नेबर्स, वो अपने हमसायों में अच्छा नहीं जाना जाता या अच्छे तरीके से मशहूर नहीं है। एंड ही लाइक्स कैंपिंग, और उसको हेमा जनी या फिर पड़ाव डालना उसको बहुत पसंद है। हेमे लगाना मीन्स के पसंद है उसको। पार्ट जी इज व्हाट गेम्स डिड जॉनी प्ले। जॉनी कौन से खेल खेलता है। ही प्लेड अ गेम इन विच ही इमेजिन्ड ही वॉज अ रेड इंडियन। उसने एक खेल खेला जिसमें उसने खुद को इमेजिन किया या उसने तसव्वुर किया कि वो एक रेड इंडियन है, मीन्स कि इंडिया का रहने वाला है, इंडिया का एक जंगजू है। Why did Bill try to release Johnny before they had the ransom? Bill ने Johnny को आजाद करने की कोशिश क्यों की जबकि तवान लेने से पहले ही Bill ने Johnny को आजाद करने की कोशिश क्यों की। Bill try to release Johnny before they had the ransom. Bill ने तवान लेने से पहले ही Johnny को आजाद करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि he is being driven mad by the boy. क्योंकि उस लड़के ने उसे पागल कर दिया था। बिल को उस लड़के ने पागल कर दिया था। क्यों पागल कर दिया था, मींस कि उसकी जो नॉटी एक्ट से उसकी वजह से जो बिल था वो सख्त किस्म का तंग हो गया था, वायलेंट था। बिल को अपना वो कैप्टिव उसने बनाया था, अपना कैदी बनाया हुआ था, और उसी तरह से उस पर तशद्दुद कर रहा था जिसकी वजह से बिल बहुत तंग हो गया था और उसने उसको आजाद करने का सोचा। व्हाई डिड सैम एंड बिल गेट जॉनी टू गो होम। सैम और बिल जॉनी को कैसे घर लेके गए। सैम एंड बिल गॉट जॉनी टू गो होम बाय टेलिंग हिम। सैम और बिल जो जॉनी को ये बताते हुए घर लेके गए दैट के दे वर गोइंग टू प्ले विद अ न्यू टॉय, कि वो एक नए खिलौने के साथ खेलने जा रहे हैं। हिज फादर हैड ब्रॉट हिम, जो कि उसके वालिद उसके लिए लेके आए हैं। मीन्स के उन्होंने जॉनी को कहा कि जॉनी के फादर उसके लिए कोई न्यू टॉय लेके आए हैं, और ये बिल सैम और जॉनी जो है वो तीनों उस टॉय के साथ खेलने जा रहे हैं, और इस तरह से उसे बातों में लगा के घर लेके गए।